वेलकम टू महाबलेश्वर गाइस। सो गाइस, हम लोग अब पहुंच चुके हैं महाड़ के करीब में और ये आप देख सकते हैं रोड कितना ज्यादा बेहतरीन बनाया गया है। हमारे साथ है फैरोज भाई। अब हम कहाँ पहुंचे हैं और अब कितना टाइम लगेगा पहुंचने को महाबलेश्वर में? महाबलेश्वर पहुंचने के लिए तो तीन तीन घंटे लगेंगे। अभी अभी हम लोग वीर में है, एक 10-15 मिनट में हम महाड़ तक पहुंच जाएंगे। उसके आगे घाट सेक्शन है, इसलिए थोड़ा टाइम जाएगा, 3-3.5 घंटा चले। चलिए फिर मिलते हैं आगे आगे। बाय। अब हमारे साथ है निहाल भाई। आप बताइए अभी कितना टाइम लगेगा और कैसा रहा आप तक का सफर? अच्छा रहा, 10-15 मिनट अभी यहाँ पे आधे पे रुके हैं वीर में, आगे जाके 10-15 मिनट में बाहर पहुंचेंगे, फिर वहां से 3-3.5 घंटे में महाबलेश्वर जाएंगे और आगे घाट सेक्शन है, आपको बता देते हैं इंशाल्लाह। चलो राइट गाइस, अभी हम लोग पहुंच रहे हैं कापड़े गांव जो पोलादपुर के आगे पड़ता है। इट इज लाइक अ कॉर्नर ऑफ द रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। और जो आप गाड़ी आगे देख रहे हैं वो भी हमारी ही कार है और उसके आगे एक और कार थी पर वो फिलहाल गायब है। महाबलेश्वर अब कुछ ही किलोमीटर दूर है। घाट सेक्शन आने से पहले हमने लिया है ब्रेक और यह बैकग्राउंड में देख सकते हैं फॉग हो रखा है और यहाँ पर हमने लिया है ब्रेक। 3 कार्स हैं और ये होटल का नाम है हार्दिक स्नैक्स। तो जहाँ हम रुके थे उस गांव का नाम था कापड़े और अभी जो हम लोग थोड़ा सा वॉक करते हुए आए हैं आगे की तरफ थोड़ा सा सीन इंजॉय करने के लिए और इस गांव का नाम है आड़े आड़। मुझे तो यहाँ पर रियल एक्साइटमेंट ये हो रही है कि मुझे घाट सेक्शन अभी देखने को मिलने वाला है। जो कर्व्स एंड टर्न्स जो देखने मिलते हैं वो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा क्रेव करता हूँ। सो उम्मीद करते हैं हमारा सफ़र बेहतरीन हो इंशाल्लाह। नाश्ता आ गया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, 1 घंटे के वेट के बाद। काफ़ी स्लो था। यहाँ पर हमने गाड़ी रोक ली है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छा नज़ारा हमें देखने मिल रहा है। तो कहते हैं इस प्लेस को अलविदा और अब डायरेक्टली मिलते हैं महाबलेश्वर पे। वेलकम टू महाबलेश्वर गाइस। So, सबसे पहला जो स्पॉट जहां पर हम लोग रुके हैं वो है ये मैप्रो गार्डन। जैसे कि आप देख सकते हैं काफी ज्यादा हरियाली है और उसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं जो मालास जो ब्रांड है उसके प्रोडक्ट्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे।
और धीरे धीरे करके हम उसको भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। सो ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं लोटस है। तो ये है मैप्रो गार्डन का एंट्री गेट और इस तरफ है पूरा स्टोर मैप्रो फलेरो। ये सब आपको प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। फलेरो की चॉकलेट आपने जरूर खाई होगी कभी ना कभी। और ये रही जैम्स चॉकलेट्स एंड सिरप्स भी है और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। वो रही खाकरा फैक्ट्री। और यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज आ चुकी है। चलिए एक चुरा लेते हैं इसमें से। चलो बाय बाय। जहाँ पर सब लोग फ्री का जूस पीते बैठे थे इतने में मैंने 3 प्रोडक्ट्स खरीद लिए। आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर है मेरे पास। सबसे पहले तो है ये चॉकलेट आमंड डेट्स जो मुझे बहुत अच्छा लगा। सेकेंडली है लीची फ्रूट क्रश एंड उसके बाद है ये फल जूस। दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं पंचगनी, इसे पांचगनी भी कहा जाता है। और यहाँ पर हम अब फिलहाल जो पॉइंट पर है उसे कहते हैं टेबल लैंड। तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट काफी ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको घोड़े नजर आएंगे एंड और ये आप देख सकते हैं यहाँ का नजारा। कुछ घर वगैरह भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं थोड़े बहुत, काफी छोटे नजर आ रहे हैं। आपको मैं अच्छे से दिखा देता हूँ ये वाला पॉइंट। ये जो टेबल लैंड पॉइंट है इसे बहुत सारे लोग पसंद करते हैं क्योंकि इधर का नेचर काफ़ी अच्छा है, ऊंचाई है, पार्किंग स्पेस भी मिल जाती है और घोड़े तो आपको मैंने जैसे दिखाए। उसके अलावा यहाँ पर हमने आइसक्रीम ट्राई किया, उन्होंने हमें डिस्काउंट भी करके दे दिया। चलिए अभी इसे और एक्सप्लोर करना है तो मिलते हैं अब थोड़ी देर बाद। सो गाइस ये है शूटिंग पॉइंट। इस रेंज में आपको मल्टीपल एक्टिविटीज़ जैसे कि बलून शूटिंग एंड मल्टीपल गेम्स आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। तो फिलहाल हम हैं टेबल लैंड के दूसरे पार्ट पे। ज़्यादा लोग यहाँ पर देखने मुझे नहीं मिल रहे हैं और पर यहाँ पर भी आपको अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है। वहाँ से नदी गुजर रही है, उस तरफ आपको केव्स भी देखने को मिलेगी। लेट्स सी एक्सप्लोर करने मिलता है या नहीं। हम लोग आ चुके हैं केव के अंदर। चल जाने का। मैं और मेरे साथ में मेरा कजिन भाई सऊद, हम जा रहे हैं अभी केव के अंदर। 15 रुपीस पर पर्सन है। चलिए जाके देखते हैं यहाँ पर क्या है। काफी अंधेरा है और मेरे मोबाइल की बैटरी भी डेड होने वाली है, इसकी वजह से फ्लैश अनअवेलेबल बता रही है। और दूसरी बात, अभी जाके हमें लाइट मिली है और मेरे कज़िन भाई की भी। ख़त्म क्या है क्या? Guys, this is the Savitri point. As you can see here, ये जो point है ये सबसे ज़्यादा unique मुझे नज़र आया, because यहाँ का जो climate है, यहाँ पर जो temperature है, जो weather है, काफी ज़्यादा अलग है। आपको काफी chill महसूस होने वाला है। और ये हम आसमान की ऊंचाइयों पर, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं reporter आफ्ताब।
अजहर भाई आप कुछ कहना चाहेंगे इस पॉइंट के बारे में या फिर अपने पूरे सफर के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा कि महाबलेश्वर में जो क्लाइमेट रहता है खासकर बारिश के सीजन में बहुत ही अच्छा रहता है, इसलिए मैं बार बार यहाँ आना चाहता हूँ और आप भी आइए और इंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। ये जो ट्रिप है ये बहुत यादगार रहने वाली है बिकॉज हम लोग बारिश के मौसम में महाबलेश्वर गए, इससे बड़ा कोई और स्टंट हो ही नहीं सकता। सो इस बारिश ने हमें बहुत ज़्यादा ही भिगा दिया है, तो बहुत मुश्किल से हमें एक रेस्टोरेंट मिल गया जिसका नाम है रामभा रेस्टोरेंट और यहाँ पर हम लोग अभी खाना खाने वाले। तो खाना हमें काफ़ी लेट मिला और जो खाना था वो हमें एवरेज लगा। खाना खाने के बाद हम निकल गए वापस हमारे घर यानी कि श्रीवर्धन के लिए। तो सफ़र काफ़ी अच्छा था, हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, इमोशनल स्पाइकिंग, ये सारी चीज़ें हमें देखने मिली। तो दोस्तों बहुत ही मेहनत और मशक्कत करने के बाद मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर पर। सो मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के अंदर। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा मेरा ब्लॉग। सो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। सो ऑल राइट, दिस इज़ आफ्ताब साइनिंग ऑफ फ्रॉम श्रीवर्धन डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ 402110।